होटल वालों ने हमारे लिए रोल्स रॉयस भेज दी है और तो लास्ट सीन जब आपने देखा था तो सुबह के 6 बजे थे और राइट नाउ इज 2:10 आफ्टरनून. सो हे गाइस, दिस इज अखिल एंड वेलकम बैक टू अखिल्स डायरी. सो कैसे हैं? बढ़िया, मैं भी एक नंबर. तो सुबह के 6 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच में मैंने अच्छा खासा रेस्ट ले लिया है. सो आपने टाइटल देखा होगा और पता भी होगा कि हम जयपुर जाने वाले हैं. तो मैं जयपुर जाने वाला हूँ, भोपाल जयपुर एक्सप्रेस जो ट्रेन है उससे, और अभी निकलने वाले हैं भोपाल जंक्शन की ओर. पर कमल भैया के रूम पे हूँ, वो है नहीं एक्चुअल में, तो आशुतोष मुझे ड्रॉप कर देगा. आशुतोष मेरा कॉलेज फ्रेंड है, पिछले एक दो वीडियो में आया था, बट हम लोग मैंने भोपाल छोड़ दिया, फिर उसके बाद मिले नहीं. बट कोई नहीं, वो मुझे ड्रॉप करने जा रहा है और बस भोपाल स्टेशन. तो टोटल हम 4 लोग जा रहे हैं, 2 लोग इंदौर से आ रहे हैं और एक रतलाम से. तो हनी और रक्षा हमें उज्जैन में मिलने वाले हैं इंदौर से आके, और सुबी मिलने वाली है रतलाम में. सो जुड़े रहिए क्योंकि ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है. और बस मैं निकलने वाला हूँ रेलवे स्टेशन की ओर क्योंकि टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी चल जाए, सेफ्टी इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी. और ट्रेन वेन के लिए तो वैसे ही भाई साहब टाइम पे जाना चाहिए. तो जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा ब्लॉग और हमारे चैनल. और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे इन फ्यूचर. सो तो भैया बस या तो आज मेरी जैकेट छूट जाती या तो मेरी आज ट्रेन छूट जाती. सो मैं आ चुका अपनी सीट पे, मतलब सब कुछ सही चल रहा है. और ये मेरी जैकेट है तो अभी तक ऑल राइट है. एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं 2 बजे रूम से चला था और यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत मस्ती करते, दोस्त मिलते, 3:30 बज गए. और जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुँचता हूँ मुझे याद आती मैं अपनी जैकेट बंद कर चुका हूँ. तो 3:30 बजे फिर रिटर्न गया और फिर आया. और एक्चुअल में ट्रेन 4 बजे नहीं थी, 4:30 बजे थी, तो थोड़ा टाइम मुझे मिल गया, नहीं तो आज की जैकेट जानी थी. और जैकेट यदि जाती तो भाई साहब ऐसे लगते ना आपको इस ट्रिप में, एक तो ठंड के मारे हालत टाइट हो जाती है, मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो अच्छा खासा चूना लगने वाला था. बट थैंक्स टू आशुतोष, आशुतोष नहीं होता तो टाइम पर ना मैं इधर आता और ना मैं उधर जा पाता. कि और मैंने यार स्टार्टिंग में ही बोला था 50 नंबर 1 प्रायोरिटी और मैं शायद 2 बजे नहीं चलता तो या तो जैकेट गई होती या तो ट्रेन गई होती. तो भैया कहीं भी जाओ 1 घंटे 1.5 घंटे भैया पहले निकल जाओ घर से यदि टाइम है तो, कोशिश तो यही करो. तो भैया मैं आ चुका हूँ अभी उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे. हनी और रक्षा आने वाले हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, अभी तो स्टेशन के बाहर हैं, कुछ पराठे वराठे पैक करवा रहे हैं मेरे लिए. तो अभी देखो कब तक आते हैं, वेट तो काफ़ी चल रहा है. ये रही हमारी ट्रेन, राइट नाउ इज 7:43. तो थोड़ा ट्रेन टाइम से पहले है
10 मिनट, 8:10 का टाइम है और 7:40 है। तो देखो अभी अपने नौजवान साथी आ जाएँ तो बढ़िया है, अभी यहाँ से असली ट्रिप शुरू हो गई क्योंकि अभी तक मैं सिंगल ही था। तो भैया अभी अब चारों नौजवान इकट्ठा हो चुके हैं, मैं हनी तो अपन चारों रतलाम स्टेशन है जो सुबह यहाँ मिलने वाली थी और मिल गई है। ये फोटो सेशन चल रहा है सुबह और रक्षा का चल रहा, फुल ऑन मस्ती चल रही है इनकी, ऑन हो गए ये लोग। तो ये फुल रील वील बन रहे हैं भाई, अलग अलग आग लग गई यार। मतलब मुझे तो लग रहा है सुबह होने नहीं देंगे, जब पहचने नहीं देंगे, ये तो यही रतलाम में ही आग लगा दी इन्होंने। तो अभी रुकिए मैं मिलवाता हूँ सुबह से और रक्षा से। तो ये आ गए हैं और ये सुबह और रक्षा और हनी और आपका प्यारा भाई अखिल और ये सुबह के भैया। तो हम चार तो पांचों लोग हैं, अभी ये ड्रॉप करने आए थे, जा रहे हैं। तो छोटा भाई है, हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा भाई है, भाई बोल दिया, भैया बोल दिया। तो बस रील वील बन गई तुम लोग की, फोटो वोटो ये ली 30-40। चलो अपन चलिए ठीक है, जा रहे हैं, अभी थोड़ा मस्ती वस्ती होगी ट्रेन में तो वो आप देखोगे ही ऑब्वियसली। ले जाए इसको वापस ले नहीं खेली जा रही। बाय बाय
बैठ चुके हैं अपनी कैब में जो कि दो दिन के लिए हम लोग बुक की है, और इसके चार्जेस हैं 2000 रुपये। भैया का नंबर मैं डाल दूंगा, और ये महिंद्रा V2 है, सही साइट है, और काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। अभी हम लोगों ने होटल, यहाँ से होटल तक के लिए, मतलब यहाँ से डायरेक्टली पूरा होटल ले जाएंगे, पूरा दो दिन आज घुमाएंगे, और कल अपन पुष्कर जा रहे हैं, परसों फिर यहाँ के घूमेंगे, कल के लिए हम लोग दूसरी जूम कार करेंगे या कुछ और करेंगे। सो अभी के लिए बात तो इतनी है कि अपन होटल जाएंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, और होटल की डिटेल कितने में लिया, कौन सा होटल है, कैसा होटल है, वो होटल पहुँच के बात करेंगे। तो अभी गाड़ी बहुत ठीक ठाक है, बढ़िया कंडीशन में है, और बढ़िया सही है, और सब बढ़िया सेटल्ड हैं। हनी भाई अपना आगे, और ये सुबी रक्षा में पीछे बैठे हैं, बैग पीछे, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज अवर होटल, होटल रंगोली, और अभी तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। अभी अंदर देखो, और भी अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे आपको। अभी 10:40 हो गए हैं, आधे घंटे के अंदर अपन निकलने वाले हैं, तो वो आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेगा। बट अभी इस होटल की डिटेल की मैंने कितने बुक किया, और इससे क्या चार्जेस हैं, रूम अपना कैसा है, ये आप अभी देखने वाले हो इस ब्लॉग में। तो अभी हम लोग क्लियर करा कि 12 बजे रहता है चेक इन, बट अभी थोड़ा पहले आ गए हैं, 1 घंटे पहले, क्या कर सकते हैं हम, वही टाइम टाइमिंग है ट्रेन का, तो उसका भी क्लियर करना है। तो भैया अपन आ चुके हैं होटल में, और होटल टूर मैंने आपको दिया, बाथरूम होटल एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आ रहा है, होटल देखिए बहुत अच्छा लगा। होटल रंगोली है ये आपको MIG रोड के किनारे जस्ट मिल जाएगा, रोड से जस्ट 10 कदम अंदर है, तो ये बहुत अच्छा है। और होटल की आपको लोकेशन लिंक, मैंने होटल के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, होटल रंगोली। और ये अपन ने 3 नाइट के लिए किया है, करीब 4500 में, तो करीब 4500-4600 रुपये हमने लगा था हमारा। दो रूम हैं, और रूम भी काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, बेसिक से रूम है, मतलब ये सबसे लो वाला रूम था वैसे मैं सच बताऊँ तो, लेकिन लो में भी बहुत अच्छा है, व्यू तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन AC, TV और बाथरूम और बेड वेड देखा होगा आपने, तो ये काफ़ी अच्छा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पानी आपको मिल जाएगा, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं खाने वाली चीज़, क्योंकि अपन जब आगरा गए थे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था जो खाने वाला आइटम था, जैसे चाय कॉफ़ी ये भी, तो यहाँ अभी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है। तो मेन्यू है अपने पास, करीब 20-25 रुपये की कॉफ़ी मिल रही, तो आई थिंक ज़्यादा महंगा नहीं है, मेरे हिसाब से देखा जाओ तो आपको इतना अच्छा रूम के साथ ये सब मिल रहा है। सो बाकी सब बढ़िया है, और अपन अभी जा रहे हैं, बढ़िया आराम से रेस्ट करेंगे आधे घंटे, फिर फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद हवा महल और एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जाना है, जो कि अगले ब्लॉग में आपको मिलेगा। ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बाकी अभी 3-4 दिन तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत तगड़े ब्लॉग मिलने वाले हैं, और बाकी सब बढ़िया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके लिए अच्छे कंटेंट आपका भाई लाता रहेगा हमेशा।